आज हमारा देश है अगर सुरक्षित तो हम उस सैनिक के बदौलत हैं। पूरे देश में चारों तरफ से जिस तरह से आतंकवादी हमले होते रहते हैं और जो अगल बगल के पड़ोसी राष्ट्र हैं और उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा जाता है उसको अगर खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे जवान कर रहे हैं। हम लोग आज दुख की घड़ी में उस पूरे परिवार, जो परिवार के बच्चे शहीद हुए, जिनके जवान घर से पुत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनके लिए आज हम लोग जो है एक श्रद्धांजलि सभा रखे और इस सभा के माध्यम से हम पूरे देश की आम जनता और नागरिक को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश सर्वोपरि होता है। यह देश है तो हम लोग हैं, इस देश के वजूद से हमारा वजूद है। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल क्षेत्र में बलिया धावक एवं जन अधिकार छात्र परिषद के दर्जनों से अधिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। यह कैंडल मार्च बलिया बाजार होते हुए अंबेडकर पार्क शहीद स्मारक में आकर समाप्त हुआ, जहां 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद कर नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता जाप नेता राजकुमार प्रसाद ने कहा, पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। आज हमारा देश है अगर सुरक्षित तो हम उस सैनिक के बदौलत हैं, क्योंकि पूरे देश में चारों तरफ से जिस तरह से आतंकवादी हमले होते रहते हैं और जो अगल बगल के पड़ोसी राष्ट्र हैं और उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा जाता है उसको अगर खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के सैनिक कर रहे हैं, हमारे जवान कर रहे हैं। हम लोग आज उस दुख की घड़ी में उस पूरे परिवार, जो परिवार के बच्चे शहीद हुए, जिनके जवान घर से पुत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गए, उनके लिए आज हम लोग जो है एक श्रद्धांजलि सभा रखे और इस सभा के माध्यम से हम पूरे देश की आम जनता और नागरिक को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश सर्वोपरि होता है। यह देश है तो हम लोग हैं, इस देश के वजूद से हमारा वजूद है। इसीलिए इस देश के लिए हमेशा हम लोगों को ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और कर्तव्यपूर्ण रूप से समाज और देश की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत माता के उद्घोष के साथ हम लोग इस सभा को समाप्त करेंगे। भारत माता की जय।